हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल तुर स्टडी क्लासेस। आज दी इस वीडियो विच मैं तुहाडे नाल शेयर करांगी प्लस वन क्लास के लिए तुहाडा सब्जेक्ट है जी जनरल इंग्लिश। उस दे लिए आपां जिहड़ा प्री बोर्ड का लास्ट टू लास्ट ईयर का आपां जिहड़ा प्रीवियस एग्जाम का जिहड़ा क्वेश्चन पेपर आ इस वीडियो के आपां सॉल्व करांगे तां जो तुहाडे जिहड़ी एग्जाम की फाइनल एग्जाम की रिविजन आ वो हो सके। ये जस्ट प्री बोर्ड का जिहड़ा 2021 का अपने कोल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है जिस दी आपां जिहड़ा आंसर की है इस वीडियो दे विच देखांगे तां जो तुहाडे एग्जाम दी रिवीजन है जिहड़ी हो सके, प्रैपरेशन हो सके जस्ट तुहाडी रिवीजन दे लई। ते नाल ही तुहानू जिहड़ा एग्जाम दा फॉर्मेट आ इस वीडियो दे विच पता चल जाएगा क्योंकि तुहानू एज इट फॉर्मेट है जिहड़ा होना इस एग्जाम दे विच। बट जस्ट तुहानू जिहड़ियां ग्रामर दे नाल ऑप्शनस ने इस वाले एग्जाम दे विच हैगियां सी, बट हुण जो फाइनल एग्जाम तुहाडा होना उस दे विच नहीं आणियां, कोई तुहानू ग्रामर दे नाल ऑप्शन नहीं आणी, जो दिता होएगा उन्हां दी आंसर करने होणगे सीधे। सो स्टार्ट करदे आं अपनी वीडियो। फर्स्ट है जी अपने कोल रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सैक्शन, ए पैराग्राफ दिता जिस दे विचों पढ़ के क्वेश्चंस दे आंसर है जिहड़े तुसीं करने ने। फर्स्ट है क्वेश्चन इस पैराग्राफ दे विचों, द सिटी ऑफ सवाना वॉज एस्टैबलिश्ड इन द ईयर, किस ईयर दे विच इह जिहड़ी बनी सी सिटी, 1733। सो पैराग्राफ दी फस्ट लाइन दे विच ही इसका आंसर है अपने कोल, सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर। नैक्सट है, ऑन एन एवरेज डैश पीपल कम टू विजिट सवाना एवरी ईयर, किन्ने जिहड़े लोग ने हर साल उत्थे विजिट करते हैं, ऑन एन एवरेज 5 मिलियन। सो सैकेंड आंसर है अपने कोल 5 मिलियन। नैक्सट वन, हू वॉज द फाउंडर ऑफ सवाना, इट्स आंसर इज जेम्स ओग्लेथॉर्पर। ओग्लेथॉर्प जिहड़ा इसका आंसर है अपने कोल है फाउंडर जेम्स ओग्लेथॉर्प। नैक्सट वन, गोज फीदर्स कैफे, क्लैरिस कैफे एंड ओल्ड पिंक हाउस आर सम ऑफ द मस्ट विजिट्स फॉर फूड, लाइक किस तरह के फूड के लिए जिहड़े ये विजिट किए जाते सी, लोग विजिट करते सी इन्हां कैफेज़ नूं, मैजे वैफल्स क्लार्ट्स एंड ग्रिट्स, बी ऑप्शन है अपने कोल इस दे विच अपना राइट आंसर। दैन नैक्सट है जी फिफ्थ, अमाउंट ऑफ सवानास अफ्रीकन अमेरिकन स्लेव पॉपुलेशन स्टैंड ऑन द रिवर फ्रंट इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लैक ग्रेनाइट स्कल्पचर ऑफ, इस दे विच अपना आंसर है अ फैमिली विद ब्रोकन चेन्स अराउंड देयर फीट, लास्ट लाइन दे विचों जिहड़ा अपना आंसर है बी ऑप्शन। नैक्सट है जी परफेक्ट सवानास मेड सोवनियर्स आर अवेलेबल एट, कित्थे अवेलेबल हुंदी है सी, इसका आंसर है परफेक्ट स्वेना मेड लाइक स्वेना बी कंपनी न्यूरिश एंड दी सॉलिड टेबल। सो इस ऑप्शनस दे विच अपने कोल करैक्ट ऑप्शन केड़ी है, ए ऑप्शन। नैक्सट है सैवंथ क्वेश्चन, सवाना वॉज एन अनप्लैंड सिटी, फॉल्स बिकॉज यह एक प्लैंड सिटी सी। नैक्सट है, सवाना वॉज द मोस्ट पिक्चरस्क्यू एंड काम सिटी इन अमेरिका, इट्स ट्रू। नैक्सट है, वट इज़ द अदर नेम ऑफ सवाना, इस दे विच अपना आंसर है हॉस्टस सिटी, इसका आंसर है अपने कोल देखो रैफर टू एज द हॉस्टस सिटी। होस्टेस सिटी। दैन नैक्सट है जी सवाना इज़ दी बर्थ प्लेस ऑफ विच ग्रेट परसनैलिटी, किस ग्रेट जिहड़ी परसनैलिटी का बर्थ प्लेस है ये सवाना जिहड़ी, इस दे विच अपना आंसर है जी एक्सप्लोरिंग दी बर्थ प्लेस ऑफ जुलियटी गोर्डन लो। सो अपना आंसर है जिहड़ा वो है जुलियटी गॉर्डन लो। सो
सुनना ये सी अपने को 10 क्वेश्चन जेडे फस्ट पैराग्राफ के दैन सैकेंड नंबर से बी ऑप्शन के भी थोड़े को एक पैराग्राफ है जोड़ा दिता गया होगा जिसके क्वेश्चन के आंसर जो करने हो जिस जस्ट 5 क्वेश्चन पूछे गए हो। फस्ट क्वेश्चन का आंसर है वट वॉज वंस कंसीडर्ड एन इंडिगलेंस फॉर द वैल्थी, इस अपना आंसर है फॉरन ट्रैवल। नैक्सट वन वट वॉज मेड फॉरन ट्रैवल फैशनेबल नाउ, चीप एयरफेयर्स एंड पैकेज होलीडेज, कि जेडे होलीडेज़ के पैकेज मिलते हैं तो एयरफेयर्स जेडे किराए जेडे घट ने चीप ने जिस करके जेडे होलीडेज़ का होलीडेज़ के फॉरन ट्रैवल का जरा फैशनेबल बन गया हूँ फैशन बन गया एक। दैन नैक्सट है वट मेक्स पीपल ड्रीम ऑफ होलीडिंग अब्रॉड नाउ डेज, इसका आंसर है अपने को पैराग्राफ के लास्ट सैकेंड लाइन तो ट्रैवल टू फॉरन कंट्रीज इज नाउ विद इन द रीच ऑफ द फैमिलीज हू ओनली 30 ईयर्स एगो वुड हैव हार्डली ड्रीम्ड टू सच अ थिंग इनडीड। मतलब कि इस दे विच अपने कोल जिहड़ा आंसर है वह की होएगा कि जिहड़े लोग है जिहड़े इसका आंसर अपना बनेगा इतों especially for those who spend their lives working in crowded city and industries, के किना ली जड़ा एक सुपने की तरह जड़ा किमें किस चीज़ केड़ी चीज़ है जी एक सुपने तरह बनाऊँदी है कि वह अब्रोड जड़ा जान छुट्टियां दे विच घूमन दे ली, ए हो गया अपने कोल ना जान दा रीज़न। सो especially तो लैके इंडस्ट्रीज तक है जड़ा अपना थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। दैन नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल वेयर डू द इंडियन लुक फॉरवर्ड टू गो फॉर होलीडेज नाउ डेज, कि कितने वो ज़्यादा जाना पसंद करते हैं इन दिनों के इंडियनज, इस अपना आंसर आएगा बियॉन्ड द बीचिज ऑफ गोवा टू मियामी बीचिज फ्रॉम दिस टू दिस, ये है अपने को फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। नैक्सट है मैचिंग एक्सपेंसिव है अपने को मैच कॉस्टली दे नाल एयरनेस्टली हुंदा सिंसीयरली। दैन नैक्सट बी सैक्शन के अपने को है ग्रामर पोर्शन स्टार्ट जिस दे विच तुहाडे कोल फस्ट नोटिस ते एडवर्टीजमेंट दे विच जिहड़ी ऑप्शन होएगी कोई करना होएगा, दैन लैटर होएगी उस दे विचों चूज करके कोई वन करनी होएगी। दैन नैक्सट होएगी ट्रांसलेशन, इत्थे तुहाडे कोल ट्रांसलेशन दे विच ऑप्शनस ने बट जो तुहानू हुण एग्जाम दे विच ट्रांसलेशन आनी आ जां ग्रैमर आनी आ उस दे विच तुहाडे कोल ऑप्शन नहीं होनी विदाउट ऑप्शन होएगी वो, सो तुहानू आंसर याद करने पैणगे क्वेश्चनस दे। लाइक दिस इत्थे है अपने कोल दिस हाउस इज़ नॉट फॉर सेल, यह मकान विकाऊ नहीं है, इसते जिहड़ा पंजाबी अनुवाद है वो होएगा यह मकान विकाऊ नहीं है। सैकेंड है शी फॉरगट हर पर्स एट होम, हुण इत्थे अपने कोल फॉरगट है जे फॉरगेट हुंदा तां आपां लिखणा सी वह परस अपना परस घर भुल गई बट हुण फॉरगट अपने कोल सैकेंड फॉर्म हो गई मीनस इट्स अ पास्ट इनडेफिनेट सेंटेंस, सो अपना जिहड़ा आंसर आ होएगा वह अपना परस घर भुल गई सी। नैक्सट है ट्रांसलेट द सेंटेंस फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश, पंजाबी दे विच ने इंग्लिश च ट्रांसलेट करने दिता होया कि वह साढ़े लिए चाह बनावेगी, विल शी प्रिपेयर टी फॉर अस, ये जस्ट एक फ्यूचर इनडेफिनेट सेंटेंस है, विल शी प्रिपेयर टी फॉर अस जिहड़ा भी सेंटेंस जिहड़ा की शब्द तो शुरू हो रहा जां किसी हैल्पिंग वर्ब तो स्टार्ट हो रहा, जे कीवर्ड तो स्टार्ट हो रहा तो हैल्पिंग वर्ब लाइक डू डज इज एम आर अकॉर्डिंग टू पास्ट वॉज वर्ड या विल शैल जिहड़े लगणगे इन तो स्टार्ट होएगा सेंटेंस, जे इन वर्ड्स तो सेंटेंस तुहाडा जिहड़ा स्टार्ट होया हुआ होगा तो वह जिहड़ा पंजाबी दे विच अनुवाद समय की शब्द तो जिहड़ा क्वेश्चन मार्क की तरह एज अ क्वेश्चन जिहड़ा तुहाडा पंजाबी अनुवाद होएगा उस लाइन का। सैकेंड है बच्चा रो नहीं रहा सी, द चाइल्ड वॉज नॉट क्राइंग, द चाइल्ड वॉज नॉट क्राइंग, यह है अपने कोल पास्ट कंटीन्यूअस। नैक्सट है डू एज डायरैक्ट ग्रामर फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल डिटरमिनर्स, इस दे विच अपने कोल है बोथ डै सनज आर वेरी इंटैलीजेंट्स, बोथ हीज सनज
आर वेरी इंटेलिजेंट. सेकेंड है ही गेव अवे डैश मनी ही हैड टू चैरिटी दी लिटल. ही गेव अवे दी लिटल मनी ही हैड टू चैरिटी. नेक्स्ट है जी फिल इन दी ब्लैंक विद अ सुटेबल प्रपोजिशन. आई हैव टू वर्क अ लॉट. नेक्स्ट है फिल इन दी ब्लैंक विद अ सुटेबल मोडल. शी डैश नेवर हैव बीन प्रिटी शी कुड. नैक्सट वन चूज़ द करैक्ट ऑप्शन. जिदा ही थोड़े कोप्शन के दिता ये तो एज अ ऑप्शन नहीं आना विदाउट ऑप्शन आएंगे ये सारे. नैक्सट है चूज़ द करैक्ट ऑप्शन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस द वर्ड चेंज इज चूज एज नाउन. इस अपना आंसर है सी ऑप्शन. आई हैड ब्राउट चेंज इन मी. इस जरा चेंज है वर्ड चेंज वर्ड है ये एज अ नाउन वरत्या गया. नैक्सट है फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल टेंस. टेंस के अकॉर्डिंग जरा फिल करनी है फिलअप. पूछा गया जी द वर्कर्स डैश ऑन स्ट्राइक यूज करैक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू मेक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जरा इस बनाने लिए आप यूज़ करा इतने होएगा यूज़ अपने को हैव गोन क्योंकि अपने पता है कि जो परफेक्ट टेंस हों उ जो अपने को थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है तो हैज़ हैव के प्रेजेंट हैज़ हैव के नाल एक चीज़ जी आप चूज़ करके लगाने. सो इतने अपन लगया द वर्कर्स ज़्यादा जने द वर्कर्स हैव गोन ऑन स्ट्राइक. नैक्सट है सिलेक्ट द करैक्ट ऑप्शन. ही इज़ टू एज्ड टू गैट अ जॉब. ही इज़ सो एज्ड दैट ही कैन नॉट गैट अ जॉब. इस बार तुहानू ऑप्शन नहीं होनी सो विदाउट ऑप्शन तुहानू आंसर जिहड़ा बनाना आना चाहिए कि किस तरह बनेगा. इसका आंसर है अपने को ही इज सो एज्ड. सो तो दैट वर्ड यूज़ करके आप जो टू रिमूव करना होंगे. ही इज सो एज्ड दैट ही कैन नॉट गैट अ जॉब. द न्यूज़ वॉज नॉट वॉज सो गुड दैट इट कुड नॉट बी ट्रू. इनू आप जो टू ला के यूज़ करके इसको बना इस अपना आंसर होएगा द न्यूज़ वॉज टू गुड टू बी ट्रू. नैक्सट है चेंज द वॉइस. A Creole boy killed the bird. The bird was killed by a Creole boy. Voice जिहड़ा अपन चेंज करना जिहड़ा पास्ट दे विच सी अपने कोल पास्ट इनडेफिनेट पास्ट कंटिन्यूस दे विच चला जाएगा. The bird was killed by a Creole boy. Next up we are selling mangoes. इत्थे अपना आंसर है सी ऑप्शन. Mangoes are being sold by us. ये ऑलरेडी प्रेजेंट कंटिन्यू की जी फॉर्म के इसनों आप प्रेजेंट कंटिन्यूज के रख के जोड़ा बींग वर्ड आप यूज़ करते हैं और लगा के बनाया है टेंस. मैंगोज आर बींग सोल्ड बाय अस. नैक्सट है जी चेंज द नरेशन. द टीचर सेज टू द स्टूडेंट्स आई हैव करैक्टेड योर नोटबुक्स. इस अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन. द टीचर टैल्स द स्टूडेंट्स दैट शी हैज़ करैक्टेड देयर नोटबुक्स. सैकेंड है ही सैड आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड. इस अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन. ही सैड दैट ही वॉज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड. दैन नैक्सट है सैक्शन सी लिटरेचर के जोड़े चैप्टर ने अपने को उन्होंने जोड़े पहले शॉर्ट क्वेश्चन ने अपने को. फस्ट क्वेश्चन इज हू इज़ द राइटर ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. इसका जोड़ा राइटर है खुशवंत सिंह. तुहानू ऑल चैप्टर्स ऑल पॉइंट्स के जेडे अगे फस्ट पार्ट ए लैसन ने सारे के जेडे राइटर नेम आ पता होने चाहिए ने. नैक्सट है विद होम डज डिसिप्लिन्स बिगिन. ऑफिसर्स. नैक्सट है सुधा रोट अ पोस्ट कार्ड टू जे आर डी टाटा टू कंप्लेन अगेंस्ट द इनजस्टिस हिज कंपनी वॉज प्रिपरेटिंग. इस अपने को पूछा गया ट्रू और फॉल्स. इस दे विच अपना आंसर है ट्रू कि हाँ उसने जिहड़ा एक अगेंस्ट पोस्ट कार्ड जिहड़ी पाई सी उसनू जे आर डी टाटा नू कंप्लेन कीती सी. नैक्सट है वेयर डिड मिस्टर ए पी जे अब्दुल कलाम डिलीवर हिज लैक्चर. हैदराबाद दे विच. नैक्सट है मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स हैपन इन डैश बैडली गर्नड पुअर कंट्रीज.
ज़्यादा कन्फलिक्ट जेडे कि हैपन होंगे ने बैडली गवर्नड पुअर कंट्रीज के। नैक्सट वन ह्यूजी वॉज नॉट पॉपूलर विद मैन एज वैल एज वूमेन, ये है अपने को फॉल्स। सैवंथ है अलगू एंड जमन विकम फ्रेंड्स वंस अगेन एट द एंड ऑफ द स्टोरी, यस हाँ कि लास्ट के दोबारा जोड़े फ्रेंड्स बन जाते हैं अगलू तो जमन जे शेक होंगे ने जोड़े। नैक्सट है एट्थ द स्टोरी एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे इन रिटन बाय डैश, किस द्वारा जी स्टोरी है जी लिखी गई है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, आर के नारायण द्वारा। नैक्सट है वेलदेव वॉज अ डैश वॉचमैन द टाइगर इन द टनल दे विच, एक वॉचमैन का जिहड़ा काम करता हुंदा वेलदेव जिस दे विच इसकी टाइगर दे नाल लड़ाई दे विच इसकी डैथ हुंदी हुंदी आ, उस स्टोरी दे विचों इह पुछया गया कि काम करता सी, उह की सी, उह वॉचमैन सी। नैक्सट है वट वॉज रहीम खानस ऑकूपेशन, रहीम खान का जिहड़ा ऑकूपेशन ऑकूपेशन हुंदा किता कि उह काम की करता सी, इस दे विच अपना आंसर है रहीम खान वॉज अ फार्मर। रहीम खान वॉज अ फार्मर। नैक्सट है अपने को पोइम्स का जिहड़ा स्टैंजा दिता गया उस दे विचों जिहड़े क्वेश्चन उत्ते पूछे गए ने उस दे विचों फस्ट जो लाइनस ने अपने को उन्हां दे विच अपने को है फस्ट है पोइम अपने जिहड़े लाइनस ने मदरस डे पोइम दे विचों ने ते इसका जिहड़ा राइटर आ वो है शिव के कुमार। मदरस डे पोइम दे विचों लाइनस लईयां गईयां ने ते इसका राइटर आ जिहड़ा वो है शिव के कुमार। नैक्सट जो लाइनस ने और दे विच अपने कोल ऑप्शन दे विच वो है अपने को उपा गुप्ता पोइम दे विचों, इसका राइटर है रविंद्रनाथ टैगोर। उपा गुप्ता पोइम दे विचों लाइनस लईयां गईयां ने, राइटर है रविंद्रनाथ टैगोर पोएट इसका। दैन नैक्सट है अपने को सेंट्रल आइडिया ते क्वेश्चनस शॉर्ट क्वेश्चन ते लोंग क्वेश्चनस अपने को ने पार्ट वन ते विचों ते लिटरेचर पार्ट लिटरेचर पार्ट है जिहड़ा तुहाडा लास्ट पार्ट सी उस दे विचों भी। दैन लोंग क्वेश्चन ने लास्ट दे विच अपने को दोनों पार्ट ए ते पार्ट सी दे विचों, इन्हां दे जिहड़ियां वीडियोस ने क्वेश्चन ते आंसर दियां उह पहलां बनाईयां होईयां ने, तुहानूं प्लस वन इंग्लिश दी जिहड़ी प्लेलिस्ट आ उस दे विचों वीडियोस दे विच तुहानूं क्वेश्चन ते आंसर जिहड़े मिल जाणगे तुहाडी प्रैपरेशन दे लई। सो उहनां वीडियोस नूं जरूर वॉच कर लियो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच जिहड़ा लिंक इसका दे दांगे सो उहनां नूं भी देख लियो। सो ए सी प्रीवियस प्री बोर्ड एग्जाम जिहड़ा फोर प्लस वन क्लास तो फाइनल एग्जाम की रिविजन के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर वीडियो।